मॉर्निंग फ्रेंड्स, शाम के बजे हैं 4:30 और मैं जा रही हूँ कचौड़ी खाने, क्योंकि मैंने कचौड़ी ऑलरेडी बना ली है और दाल की कचौड़ी बनाई है। तो मैंने सोचा कि आज जो है दाल की कचौड़ी का नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा से हैवी नाश्ता, क्योंकि सुबह मैंने मॉर्निंग में सैंडविच वैंडविच बना लिया था और थोड़ा से लाइट नाश्ता भी हो गया था, खाना भी लाइट हो गया था। तो इस समय मैंने सोचा कि थोड़ा से नाश्ता जो है हैवी कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी कचौड़ी बनाई है। वैसे मैंने दाल की कचौड़ी बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी कचौड़ियाँ, आप देख सकते हो मसालेदार कचौड़ी बनाई है। आइए जल्दी जल्दी खाइए इस कचौड़ी को। और जो है ये मैंने हरी चटनी, टमाटर वाली चटनी के साथ बनाई है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है कचौड़ियाँ खा ली हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी कचौड़ियाँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर का थोड़ा से काम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। अभी इस समय बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, तो घर को थोड़ा से रूम को समेट लेती हूँ, पैकअप कर देती हूँ और उसके बाद मुझे शूट करना है और खाना भी बनाना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए। किचन में और मैं बना रही हूँ आज शिमला मिर्च आलू की रसेदार सब्जी। तो मैंने तेल डाल दिया है, जैसे आप देख सकते हो। तो तेल हमारा हो गया है और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और प्याज काटी थी, तो लहसुन मैंने पहले डाल दिया है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्याज। और यहाँ पर आज मैं टमाटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, टमाटो, क्योंकि मेरा मन नहीं था आज टमाटो डालने का, तो मैंने नहीं डाला। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं मन होता है।
और हल्की सी ब्राउन हो गई है प्याज, उसके बाद मैंने जो है अच्छी तरह से उसको चला लिया है। आप देख सकते हो मेरा स्टाइल, मैं कभी कभी इसी तरह से काम कर लेती हूँ फटाफट जो होता है जब जिस दिन। तो बस मैंने जो है यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च को साथ में डाल दिया है और बस थोड़ा से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और इसमें मसाले डाल दिए हैं और नमक डाल चुकी हूँ मैं पहले से, तो दो पैकेट मैंने मसाले डाल दिए हैं जो अशोक मसाले आते हैं छोटे वाले पाउच। और आटा मैं फटाफट सान रही हूँ ताकि रोटियाँ बना लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था शूट करने के लिए और मैं आटा सान रही थी जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी से खाना बना लूँ। और इसी समय जो है कोई आया था, कोई क्या आशीष लोग आ गए थे, तो उनसे मैं बातें करती जा रही थी और काम करती जा रही थी। तो अभी आपको आशीष से भी मिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ। तो मैंने जो है ब्रेड जो धुली थी, मैं कोई भी सामान आता है धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ, तो मैंने जो धुली थी वो अंदर रख दी है सूखने पे। और रोटियाँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हो। तो फटाफट काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया, आप मेरी हालत देख सकते हो। और इस समय बज रहे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ शूट करने। और आज का कंटेंट मेरा थोड़ा सा देसी लुक है और हो सकेगा तो मैं आपके साथ थोड़ा सा लुक जो है शेयर करूँगी। और आशीष लोग आए हुए हैं, चलिए आप लोगों को मिलाते हूँ। वैसे तो आप आशीष को जानते हैं कि कौन है, और जो लोग मेरा पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए, और वो एक ट्राईपॉड भी लेके आया है, वो भी दिखाते हैं कि वो ट्राईपॉड है कैसा। तो यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, लूडो और सजी एक बार हार। सब इन लोगों का लूडो का मैच चल रहा है बहुत खतरनाक। और ये देखिए लूडो किंग, ये लूडो हो रहा है यहाँ पर इन लोगों का। सर जी अब एक बार हार चुके हैं, मान आशीष ने ये लिया है, बहुत अच्छा है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। तो आशीष कब गिफ्ट कर रहे हैं उनको ये? बहुत जल्दी मौसी को गिफ्ट करेंगे ये भी। पहले मैंने कहा कि अपने लिए मोबाइल, पहले एक ट्राइपॉड इसने हमको गिफ्ट किया था और अब ये वाला गिफ्ट करेंगे। ये जो गोरिल्ला ट्राइपॉड है ये हर ब्लॉगर के पास होना चाहिए। आप लोग भगवान हो, बस इतना ही कहूंगा। मुझे रिव्यू नहीं करने दे रहे हो यार, लूडो का रखो तुमने तो सो होता मतलब कि गाइस, मतलब मेरा कहने का ये कि हर ब्लॉगर्स के पास ये गोरिल्ला ट्राइपॉड होना चाहिए। हाथ से कौन, मतलब ऐसे और आशीष बहुत जल्दी हमको ये ट्राइपॉड गिफ्ट करने वाला है इस तरह का। बहुत जल्दी, मतलब ये जब लगाओ उसका ड्राइंग करोगे बाहर जाके घर में कहीं भी, मतलब फील आएगा तुम्हें, तुम मोटिवेट होगे कि भाई मतलब अच्छा लग रहा है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, मैं मतलब कुछ अलग हूँ। तो मंगवा लो, एक ज्यादा नहीं, ज्यादा कॉस्टली नहीं, 500 का है, तो बजट में आप लोग मंगवा सकते हैं। और इसका मतलब मतलब थोड़ा कम वाला भी आता है 300 का, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का है कि ये मंगवाओ, ज़्यादा अच्छा है। थोड़े दिन बाद मंगवाओ, बट ये मंगवाओ, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये मंगवाना ज़रूर। तो मैं जा रही थी शूट करने मेकअप का वीडियो, मेरा सामान सब बाहर है, ये आप देख सकते हो। ये मेरा मतलब कि ऐसा ही सामान रहता है जो डेली मतलब कि मैं करती हूँ, वो अलग से निकाल के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं शूट करती हूँ। बाकी तो मेरा सामान उधर है, तो जो मैं शूट करना होता मुझे ज़रूरत की लगती है वो अलग डिब्बे में निकाल लेती हूँ। तो आज कुछ मैं मेकअप करने जा रही थी, तो निकालने जा रही थी, तो ये लोग आ गए, तो मैं बाद में शूट करूँगी। और ये मेरा एलोवेरा जेल का कैप टूट गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। फ्रेंड्स मैंने वीडियो शूट कर लिया है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, इस समय बज रहे हैं 12:00। आप टाइमिंग देख सकते हो, सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे हैं 12 बजने में और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है शूट करते करते। और आशीष लोग चले गए हैं और वो लोग गए थे 9:30 बजे,
और मैंने शुरू किया है, नहीं हाँ वो लोग गए थे 9 बजे और मैंने 9 बजे से शूट करना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मेरा सारा मेकअप का सामान बाहर निकला हुआ था और इस समय जो है बहुत बुरी तरह से बेड फैला हुआ है मेकअप की वजह से, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो पूरा बेड मेरा मैसी हो चुका है, इस तरह से मेरा काम चलता है मेकअप वाला। तो अब मैं इन सबको पैकअप करूँगी और पैकअप करके अपनी अपनी जगह रखूँगी। और आप देख सकते हो मेरा बैंड, वो डोनट बन, ये सब रखा हुआ है, टोनर ये सब रखा हुआ है। और आज मैंने ये ज्वेलरी पहनी थी जो मैंने मेकअप किया है। तो ये वीडियो मेकअप वाला आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत मैसी हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मेकअप रिमूव करने। फ्रेंड्स खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। जैसे मैंने शूट किया इस समय बज रहे रात के 1, तो 1 बज चुके हैं और मैंने स्किन रूटीन कर रखा है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।